फिर देखिए इसके अंदर मैं वोल्टेज मेजर करता हूँ। देखो मेरे पास ये देखिए मीटर पे देखिए 12 वोल्ट आ रहे हैं ना। ओके 12 वोल्ट आ रहे हैं और यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट परफेक्ट आ रहे हैं। ठीक है 12 वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पर। अब मेरे 12 वोल्ट फिट भी नहीं रहे हैं, बिल्कुल फिट नहीं रहे हैं और मेरे 12 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है और ये देखिए यहाँ पर मेरे 12 वोल्ट नहीं है। ठीक है इस कनेक्टर पर मेरे 12 वोल्ट नहीं है। और फिर अब इसको मैं सेट को एक बार फिर बंद करता हूँ और बंद करके वापस चालू करता हूँ। देखो ये देखिए और मैंने मेरे सेट ऑन किया, देखो रेड बत्ती जल रही है वो। और ये देखिए और अब इस पे देखना मीटर की तरफ देखो, देखो 12 वोल्ट आके और मेरे रिटर्न जा रहे हैं। एक बार फिर दिखाता हूँ आपको, ठीक है एक बार फिर दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैंने सेट बंद किया और ये वापस ऑन किया और ये रेड लाइट आ रही मेरी। और यहाँ पर देखिए ये देखिए ये देखो 12 वोल्ट आके और रिटर्न जा रहे हैं मेरे। इसका मतलब मेरा सेट प्रोटेक्शन में है, कहीं इसमें शॉर्टिंग है। तो मैं उसको चेक करता हूँ और चेक करके आपको रिटर्न बताता हूँ। सेट ये बार बार प्रोटेक्शन में जा रहा था और एक बार ऑन होके और ऑफ हो जाता था। अब देखिए मेरे पैनल पे परफेक्टली 12 वोल्ट आ रहे हैं और मेरा सेट प्रोटेक्शन में चला जा रहा था। स्टैंड बाय ऑन होने के बाद में ऑफ हो जाता था। तो इसका भी मैं आपको फॉल्ट बताऊंगा कि मैंने इसमें क्या किया है। और अभी मैं आपको पैनल की जो LVDS है वो लगा के और आपको मैं देखता हूँ एक बार। ओके हो गया मेरा सेट, ये देखो। और मैं आपको स्क्रीन भी दिखाई देता हूँ एक बार। और ये देखिए दोस्तों मेरा सेट परफेक्टली बन गया है। ठीक है सर, तो इसमें मैंने क्या किया है कि जो मेरी 1118 IC है, ये IC पे वोल्टेज कम मिल रहे थे मेरे को, 3.1 वोल्टेज मिल रहे थे। और इसमें हालांकि वोल्टेज ठीक थे लेकिन कई बार क्या होता है कि इसमें एम्पियर कम होने की वजह से मेरा सेट परफेक्टली नहीं हो पा रहा था। तो मैंने 12 वोल्ट पे 470 16 वोल्ट की जगह मैंने 35 वोल्ट लगाए क्योंकि वो कंडेंसर भी मेरा थोड़ा सा वीक था। और ये देखिए ये फूला हुआ था, ये भी फूला हुआ था। ये बदलने के बाद भी मेरा सेट प्रोटेक्शन में जा रहा था, एक बार ऑन होके और ऑफ हो रहा था। इसके बाद में मैंने थोड़ी सी रिसोल्डिंग करी 11118 पे और मेरा सेट परफेक्टली ओके हुआ है। थैंक यू सर।